बिहार के चीफ मिनिस्टर। आज नीतीश जी एनडीए में है, एनडीए में है, मोदी जी के साथ पार्टनर बने हुए हैं। मगर आपको याद होगा पिछले चुनाव में नीतीश जी हमारे गठबंधन में हमारे साथ खड़े थे, बीच में उन्होंने मन बदल दिया। आपने जब उनको वोट दिया था आपने गठबंधन को वोट दिया था, आपने एनडीए को वोट नहीं दिया था। तो पहला धोखा यह है कि आपके सामने आए, स्टेज पे आए, आपसे कहा मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूं, बिहार ने वोट दिया, गठबंधन को वोट दिया, नीतीश जी कहते हैं झूठ बोला था मैंने, अब मैं एनडीए के साथ जा रहा हूं। पहला धोखा ये। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जहां भी जाते थे पहले कहते थे 2 करोड़ युवाओं को हर साल नरेंद्र मोदी रोजगार देगा, याद है 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी डाल के दिखा देगा। अब अभी तक बात समझ नहीं आई, मोदी जी आते हैं कहते हैं 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, चुनाव जीतते हैं 8 बजे शाम को कहते हैं 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्द, अपना सब पैसा बैंक में डालो। चुनाव के समय कहते हैं मैं पैसा दूंगा, प्रधानमंत्री होते हैं बनते हैं तो फिर आपसे पैसा लेते हैं, कोई नहीं बचा। बिहार के सब लोग, माता पिता भाई बहन, बैंक के सामने जाके खड़े हो गए। आप सब गए थे ना नोटबंदी के समय, गर्मी में बारिश में सब खड़े थे, भीड़ में आपने बड़े बड़े उद्योग किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे, और लाखों करोड़ रुपए आपका पैसा 3,50,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से निकालकर उन बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। सही बात है ना, गलत तो बात नहीं किया ना मैंने। कोरोना आता है खड़े हो जाते हैं, पता नहीं शाम को करते हैं, टीवी पे आते हैं 8 बजे रात को आते हैं, टाइम अच्छा लगता है उनको, 8 बजे खड़े हो जाते हैं, कहते भाई और बहनों 22 दिन की लड़ाई है, 22 दिन में हिंदुस्तान कोरोना को हरा के भगा देगा। उसके बाद कहते हैं भैया थोड़ी मदद करो, कोरोना को भगाना है थाली बजाओ। फिर 2-3 दिन बाद कहते हैं थाली से काम नहीं हुआ, चलो मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और हमारे जो मीडिया के मित्र हैं, वाह 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 वाह, दिन भर वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात बोली, क्या कमाल की बात बोली, देखो कोरोना से लड़ना है देखो थाली भिजवा दी, वाह वो देखो सेलफोन की लाइट जलवा दी, वाह उधर मतलब हजारों लोग मर रहे हैं, कोरोना के समय शुरुआत में कोई दिल्ली से चला आ रहा है, हरियाणा पंजाब महाराष्ट्र हर प्रदेश से कोई ना कोई बिहार की ओर चल रहा था,
भूखे थे, प्यासे थे। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रेन बंद कर दी थी, बसें बंद कर दी थी, पूरे देश को बंद कर दिया। मैंने टीवी पे देखा, मैंने मजदूरों से थोड़ी मजदूरों से कि हमें एक बात समझ नहीं आ रही। ठीक है, कोरोना है, मगर नरेंद्र मोदी ने बिना कोई वार्निंग के, बिना कोई नोटिस के बिहार पहुंच जाइए, उत्तर प्रदेश पहुंच जाइए, उसके बाद हम पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी ने क्यों किया। और मैं आपको सच बताऊं तो इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। एक ही जवाब हो सकता है कि प्रधानमंत्री के दिल में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके दिल में कोई भी जगह नहीं है। नहीं तो ऐसा निर्णय हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं ले सकता। और ये सिर्फ मजदूरों को करने की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान की जनता का अपमान है। हिंदुस्तान कि जनता अपना खून पसीना देती है। बिहार के लोग जब महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो वो वहां पे अपना खून पसीना देते हैं, दिन भर काम करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने उनको एक दिन नहीं दिया, एक दिन छोड़िए 5 घंटे नहीं दिए, एकदम लॉकडाउन कर दिया। और अगर आप देशभक्त होते तो आपने किसानों से आपने मजदूरों को नहीं दिए। हम सरकार में नहीं थे, बिहार में भी नहीं थे, नेशनल लेवल पे नहीं थे। कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों को बसें दिलवाई, हमने मजदूरों को घर पहुंचाने का काम किया, नहीं कर पाए। मगर जो भी हमने ऐसे काम किया, क्यों? क्योंकि हम उनका आदर करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, और हम समझते हैं कि अगर ये देश चलता है तो ये 2-3 बड़े उद्योगपति इस देश गए। अब बिहार की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, आप वहां जाइए और वहां जाके एक सवाल पूछिए, छत्तीसगढ़ के किसी भी किसान से पूछिए कि भैया एक बात बताओ, कांग्रेस पार्टी जब आई उसके बाद धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसान को कितना रुपया मिलता है? आपको जवाब मिलेगा 2,500 रुपए क्विंटल। तो अगर छत्तीसगढ़ में सरकार 2,500 रुपए क्विंटल दे सकती है,
तो फिर बिहार में क्यों नहीं? आपको क्या रेट मिलता है यहां पे? बारह सौ। तो ये मुझे समझाइए कि छत्तीसगढ़ की सरकार 2500 और यहां पे 1200, मतलब आपने कोई गलती की है क्या? आपकी सरकार आपका पूरा का पूरा पैसा छीन कर बिचौलियों को देती है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसान के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालती है, ये फर्क है। यहां पे चाहे मक्का हो, धान हो, आपको सही रेट नहीं मिल सकता। आपके लोग बाकी प्रदेशों में जाते हैं क्या? क्या भैया, प्याज का दाम मैं बताता हूं क्यों बढ़ा है, मैं बताता हूं आपको। मैं समझा कि कृषि के सिस्टम के साथ क्या कर, अभी जो आपने देखा है, अभी आपने कुछ नहीं देखा। क्यों आप यहां पे 2006 में सिस्टम हुआ करता था और जो एमएसपी का सिस्टम होता था, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम होता था, उसको बिहार की सरकार ने खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी ने 3 नए कानून लागू किए हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान का किसान अपना माल अब कहीं भी और किसी को भी बेच पाएगा। नए कानून लिखा है नरेंद्र मोदी जी, जो एमएसपी का सिस्टम है, खरीद का सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, मंडी का सिस्टम है, उसको पूरे हिंदुस्तान में नष्ट कर रहे हैं। क्यों नष्ट करें? क्योंकि वो चाहते हैं कि 3-4 चुने हुए उद्योगपति, आजकल छोटे छोटे बिचौले होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बस 2-3 बड़े बिचौले हों। और हिंदुस्तान का किसान जब धान बेचे, जब मक्का बेचे, वो मंडी में ना बेचे, वो सीधा जाके या अंबानी को या अदानी को बेचे। अब आप बात समझ लो, आपको लगता है कि किसान अंबानी और अदानी से सही दाम ले पाएगा? आजकल मंडी में आप जाते हो, अगर आपको कोई यहां से सही रेट नहीं मिलता तो वहां जाके किसी और से सौदा कर लेते हो। आने वाले समय में आप सिर्फ अंबानी जी और अदानी जी से सौदा कर पाओगे और वो रहेंगे बंबई में, एक गुजरात में, एक बंबई में, और आप यहां बिहार में। तो जो आज आपको दाम मिलता है वो भी नहीं मिलने वाला है। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में मैं गया और हैरान हो गया, मोदी, मुकेश अंबानी और अदानी। पंजाब की जनता दशहरे पे, पंजाब का किसान दशहरे पे नरेंद्र मोदी का पुतला जला रहा है, क्योंकि उसको समझ आ रही है बात, उसको बात समझ आ गई कि नरेंद्र मोदी जी ने मगर हम जो हमने छत्तीसगढ़ में किया हम यहां करना चाहते हैं। हम ये आपकी जो आदत है ना, ये आदत हम उतारना चाहते हैं। हम तो आपके आपके अंदर एक नई आदत डालना चाहते हैं कि भैया हाँ, छत्तीसगढ़ जैसे बिहार में भी हमें 2500 रुपए धान के लिए मिलता है, ये आदत हम डालना चाहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आरएसएस है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर आक्रमण करते हैं? कौन सा व्यक्ति है, उसका नाम क्या है?
रहा है कि नरेंद्र मोदी से अगर कोई लाए, अगर कोई उसके साथ प्रेस वाले मेरे पीछे पड़े रहते हैं दिन भर, मोदी में क्यों? देखिए इनकी गलती नहीं है, वो कहते हैं भैया मोदी जी दिखाओ, ये दिखाते हैं मोदी जी को, कहते चलो भैया हमारे बड़े बॉसेस ने कहा कि मोदी जी का चेहरा दिखाना है, वो लगा देते हैं। इनका इनकी थोड़ी गलती है, ये बेचारे फंसे हुए बीच में, ये तो नहीं दिखाना चाहते, ये जानते हैं क्या हो रहा है देश में, नफरत फैलाई जा रही। बिहार में चुनाव है, एक तरफ एनडीए दूसरी तरफ गठबंधन, और बीच में एनडीए की बी टीम आगे पीछे घूम रही है। एनडीए दिन भर हेलीकॉप्टर में घूम रही है, वो तो आएगा या फिर एनडीए बनाएगी। तो ये पूरी की पूरी जो बी टीम घुमा रखी है, ये आगे पीछे दौड़ते जा रहे हैं। सौदा है नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी जीत जाए, और काम कैसे करते देखिए मैं बताता हूं, आप ये याद रखिए काम कैसे करते, नफरत से है, याद रखिए इस बात को। बीजेपी आरएसएस नफरत फैलाती है, हम बीजेपी आरएसएस से लड़ते हैं, हम उनसे भी लड़ते हैं। हमारा काम देश की जनता को एक साथ लाने का है, देश को आगे ले जाने का है। ए टीम और बी टीम का काम देश में नफरत फैलाने का है, देश को बांटने का है, और अगर ये देश बढ़ जाएगा तो इस देश में किसी को फायदा नहीं मिलेगा, और अगर ये देश जुड़ेगा मैं सच्चाई का सिपाही हूं, मैं सच्चाई का काम करता हूं, और ये कुछ भी कह ले मुझे कोई डर नहीं लगता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूं याद रख लो, मैं इनको हरा के दिखाऊंगा। हम मनरेगा देंगे फिर कर्जा माफ करेंगे किसानों का, हम बैलेंस करके चलाते हैं। तो हम रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, झूठे वायदे हम नहीं करते हैं। वो कमी है हमें। मैं यहां आके मतलब जैसे नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं वो मेरी बस की नहीं है, मैं नहीं करता। गठबंधन को जिताएंगे और मैं गठबंधन की सरकार बनाएंगे।